दोस्तों, मैं हूं प्रवीर और आप देख रहे हैं टेक एंड टेक्निक्स। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूं कुछ माइक्रोफोन्स। और ये जो माइक्रोफोन्स है, ये डायनेमिक माइक्रोफोन्स है। यहां पे आप देख सकते हैं, ये ऑडियोटोन कंपनी की तरफ से है। काफी बजट फ्रेंडली माइक्रोफोन्स हैं, काफी अफोर्डेबल बजट में आप इनका यूज कर सकते हैं। अभी हमारे पास इस वीडियो में 3 माइक्रोफोन है ऑडियोटोन की तरफ से। इनका मॉडल नंबर जो है वो अलग अलग है। और आज के इस वीडियो में हम इन माइक्रोफोन्स का अनबॉक्सिंग, रिव्यू और टेस्टिंग भी करने वाले हैं। इसके बारे में जो भी टेक्निकल स्पेसिफिकेशन है उसके बारे में भी जानेंगे। और ऑल ओवर ये जो माइक्रोफोन्स है, ये हमें किस तरह का देखने को मिला, इसका रिकमेंडेशन भी हम एंड में जानेंगे। कौन से माइक्रोफोन में हमें किस तरह का रेंज मिल रहा है उसके बारे में भी हम पूरी डिटेल्स के साथ जानेंगे। सो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मैं आपके लिए इस तरह की काफी सारे प्रो ऑडियो रिलेटेड टेक्निकल टॉपिक्स लेके आता हूँ। सो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पे जो हमारे पास माइक्रोफोन है, पहला जो माइक्रोफोन है वो है AD935। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये एक डायनेमिक वोकल माइक्रोफोन है। और इसके अलावा हमारे पास है AD945, ये भी एक डायनेमिक माइक्रोफोन है। यहाँ पे तीसरा जो है वो है D5 वोकल माइक्रोफोन, और ये भी एक डायनेमिक माइक्रोफोन है। तो पहले इस माइक्रोफोन के बारे में हम जान लेते हैं, इसको पहले अनबॉक्सिंग करते हैं। और जैसे ही आप इसको अनबॉक्सिंग करेंगे, आपको डायरेक्टली मिल जाएगा ये माइक्रोफोन। काफी हैवी फीलिंग होता है इसको पकड़ने से हाथ में। और यहाँ पे इसका ब्रांडिंग दिया गया है, और इसके साथ आपको एक टेक्निकल स्पेसिफिकेशन के लिए एक पेपर देखने को मिलेगा और एक पाउच भी देखने को मिलेगा। और इसके साथ एक आपको माइक्रोफोन होल्डर भी देखने को मिलेगा। और इस माइक्रोफोन में आपको एक ऑन ऑफ का स्विच देखने को मिलेगा। ऑडियोटोन की ब्रांडिंग, जैसे कि ये एक कार्डियोड माइक्रोफोन है, तो इसके अंदर का जो कैटरीज है कार्डियोड है। कार्डियोड का मतलब ये अपना बिल्कुल फ्रंट डायरेक्शन से आपका ऑडियो को पिकअप करेगा और बैक डायरेक्शन से काफ़ी ज़्यादा एलिमिनेट करेगा। माइक्रोफोन्स के बारे में आपको और भी जानकारी चाहिए तो मैंने लगभग 2 साल पहले एक माइक्रोफोन के ऊपर प्रॉपरली वीडियो बनाया हुआ है। मैं आई बटन पे उसका लिंक दे रहा हूँ, आप अगर चाहें वो वीडियो चेक कर सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक आपको मिल जाएगा। जैसे कि ये एक कार्डियोइड माइक्रोफोन है, तो इसमें जो फीडबैक रिजेक्शन है, क्योंकि आपका मॉनिटर अगर बिल्कुल सामने है, फीडबैक रिजेक्शन काफ़ी स्ट्रांग रहेगा। मॉनिटर के सामने खड़े होकर भी सिंगिंग कर रहे हैं तो भी आपको फीडबैक आने के चांसेस काफ़ी कम रहेंगे, क्योंकि जिस दिशा में ये माइक्रोफोन होल्ड कर रहे हैं, बस आप ही की तरफ इसका पॉइंट है जहां से ये ज्यादा ऑडियो पिकअप करेगा। इस माइक्रोफोन का भी हम टेस्टिंग करेंगे, इसका टोनल क्वालिटी कैसा रह रहा है उसके बारे में भी हम डिटेल में जानेंगे जब हम मिक्सर के साथ इसको अटैच करेंगे। तो अभी चलते हैं दूसरे माइक्रोफोन की तरफ। तो यहाँ पे जो दूसरा माइक्रोफोन है वो है AD935 का एक एडवांस मॉडल है। सो चलिए इसका भी हम टेक्निकल डिटेल्स जान लेते हैं। तो इसमें भी आपको माइक्रोफोन देखने को मिलेगा, माइक्रोफोन में आपको ऑन ऑफ का स्विच भी देखने को मिलेगा, बाकी ऑडियो ट्यून की ब्रांडिंग ग्रिल्स के ऊपर भी आपको देखने को मिलेंगे, यहाँ पे मॉडल नंबर भी लिखा हुआ है। माइक्रोफोन की जो वेट है काफी अच्छा है, काफी हैवी फील हो रहा है। इसके साथ भी आपको एक पाउच देखने को मिलेगा और एक माइक्रोफोन होल्डर भी देखने को मिलेगा। ये जो माइक्रोफोन्स है इनमें आपको एक्स्ट्रा केबल लेना पड़ेगा, इसके साथ केबल्स नहीं आती। और ये है इसका स्पेसिफिकेशन शीट। ये जो माइक्रोफोन है ये एक सुपर कार्डियोइड माइक्रोफोन है। आप लोगों की जानकारी के लिए मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये जो माइक्रोफोन है, ये सुपर कार्डियोइड का मतलब ये होता है, आप अगर इस तरह से इसको पकड़े हुए हैं और सिंगिंग कर रहे हैं तो इस तरफ से सबसे ज्यादा ऑडियो ये पिक करेगा। इसका बिल्कुल ऑपोजिट में थोड़ा सा ये फीडबैक भी ले सकता है। तो इसका जो मॉनिटर का पोजीशन है वो दोनों साइड में आपका मॉनिटर्स रहेंगे और उनके बीचों बीच रहकर आपको सिंगिंग करना होगा। जबकि ये वाला जो माइक्रोफोन है इसमें आप बिल्कुल मॉनिटर के फ्रंट में खड़े रह के सिंगिंग कर सकते हैं, साइड की तरफ भी आप रह के सिंगिंग कर सकते हैं। लेकिन इसको अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो बिल्कुल फ्रंट में नहीं रहना, दोनों साइड में मॉनिटर रखना है और उनके बीचों बीच सिंगिंग करना है। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि फीडबैक रिजेक्शन में ये इससे अच्छा है, ये बात तो सही है, लेकिन पिकअप में ये उससे अच्छा है। काफ़ी हायर सेंसिटिविटी है तो आपका जो ऑडियो है वो ये उससे भी ज़्यादा पिक कर सकता है। सुपर कार्डियोइड जो माइक्रोफोन्स होते हैं उनका पिकअप रेंज काफ़ी अच्छा रहता है। अगर वीक सिंगर है तो उनके लिए ये माइक्रोफोन दे सकते हैं, अगर सिंगर काफ़ी प्रोफेशनल है तो ये जो माइक्रोफोन है उनको ये वाला माइक्रोफोन आप दे सकते हैं। तो ये दोनों आपके पास ऑप्शन है। बाकी इस माइक्रोफोन का भी हम एक टेस्टिंग करेंगे। सो यहाँ पे जो ये माइक्रोफोन है ये D5 है, ये हूबहू AKG की तरह दिखता है, ये भी एक डायनेमिक माइक्रोफोन है। यहाँ पे इसमें आपको मिलेगा आपका माइक्रोफोन, इसमें आपको ऑन ऑफ का स्विच भी मिलेगा, ऑडियो ट्यून की ब्रांडिंग, और काफी हैवी वेट है, काफी अच्छा फील आ रहा है। इसके अलावा आपको मिलेगा एक माइक्रोफोन होल्डर, यहाँ पे आपको मिलेगा एक पाउच, इसके साथ आपको
इसका स्पेसिफिकेशन सीट भी मिलेगा, जिससे हम इसका जो कैरेक्टर है इसके बारे में हम पता लगा सकते हैं। सो ये जो माइक्रोफोन है ये भी एक सुपर कार्डियोइड माइक्रोफोन है, मतलब वीक सिंगर के लिए बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है, क्योंकि सुपर कार्डियोइड है। इनका पिकअप का सेंसिटिविटी जो है वो थोड़ा सा हाई रहता है, तो अगर आप दूर से सिंगिंग कर रहे हैं या फिर आपका वीक सिंगर को सिंगिंग करने में दिक्कतें होती है, काफ़ी अच्छे से ये पिक कर सकता है। और दूसरी तरफ अगर पोजिशनिंग के बारे में भी उनको प्रॉब्लम हो रहा है, कैसे माइक्रोफोन पकड़ना है, कैसे सिंगिंग करना है, तो उन तरह के सिंगर्स को आप इस तरह के माइक्रोफोन दे सकते हैं। ये काफ़ी बजट फ्रेंडली रहते हैं। बाकी इस माइक्रोफोन का जो फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स है वो सेफ्ट में है, मतलब आपको थोड़ा सा मिड हाई रेंज अच्छा मिलेगा यहाँ पे इसमें, और जो 945 है उसमें। बाकी 935 जो है उसमें थोड़ा सा फ्लैट मिलेगा, तो उसके अकॉर्डिंग आप चूज़ कर सकते हैं। और ये जो माइक्रोफोन है ये 70 हर्ट्ज़ से लेके 20 किलो हर्ट्ज़ तक फ्रिक्वेंसी रेंज है इसका, मतलब इसके अंदर कोई भी ऑडियो हो बहुत ही अच्छे से ये पिक करेगा। बाकी इसको आप मेल सिंगर फीमेल सिंगर को भी दे सकते हैं, 945 को भी मेल फीमेल सिंगर को दे सकते हैं, 935 जो है वो थोड़ा सा मेल सिंगर के लिए अच्छा रहेगा। सो ऑल ओवर ये था इस माइक्रोफोन का क्लोज लुक और इसके बारे में पूरी डिटेल्स। अभी हम इन सब का टेस्टिंग भी करेंगे और टेस्टिंग करने के बाद हम आपको बताएंगे किस माइक्रोफोन में किस तरह का रेंज सुनने को मिल रहा है। तो अभी हम रेडी हैं इन तीनों माइक्रोफोन की टेस्टिंग के लिए। हमने इसको मिक्सर के साथ भी कनेक्ट कर लिया है। इन तीनों में हमने अभी कोई भी EQ या फिर इफेक्ट कुछ भी अप्लाई नहीं किया है, बिल्कुल फ्लैट रखा है। टेस्टिंग करने के बाद आपको पता चल जाएगा कि किस में किस तरह का रेंज आ रहा है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं, पहले AD935 ये जो माइक्रोफोन है इसका पहले टेस्टिंग सुन लेते हैं। चेक 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 चेक, हेलो चेक 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 चेक, हेलो चेक 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 चेक। जैसे कि ये जो माइक्रोफोन है ये एक कार्डियोइड माइक्रोफोन है, तो इसका पीछे वाला जो ऑडियो है वो काफ़ी अच्छे से ये कैंसिल कर रहा है, और बाकी ओनली इसी डायरेक्शन से ही ये अच्छे से पिक कर रहा है। और इसकी ऑडियो क्वालिटी के बारे में अगर मैं आपको बोलूँ, बहुत ही क्रिस्पी है, बहुत ही क्लियर है, काफ़ी क्लियर सुनाई दे रहा है। मैंने अपने सामने में मॉनिटर रखा है और काफ़ी अच्छा क्लीन ऑडियो सुनने को मिल रहा है। सो नेक्स्ट जो माइक्रोफोन है उसको एक बार सुन लेते हैं, और ये है D5। हेलो 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 चेक चेक, ये भी बिल्कुल उतना ही केन पे है। इसमें जो बेस पार्ट है और भी थोड़ा सा डेप्थ है, इसमें क्लैरिटी भी बहुत ही अच्छा है। इसका दोनों साइड में काफ़ी अच्छा रिजेक्शन है और पीछे के साइड में हल्का सा फीडबैक है, लेकिन उतना भी ज़्यादा नहीं। अभी हम नेक्स्ट वाला सुन लेते हैं जो है 945। चेक हेलो चेक 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 चेक, हेलो चेक 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 चेक, हेलो। और ये जो माइक्रोफोन है ये भी काफ़ी क्लियर है, इसका बेस भी काफ़ी अच्छा है। अगर आप फीमेल सिंगर को भी देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, क्योंकि हाई मिड हाई जो है वो काफ़ी क्लियर भी है, और इसके अलावा इसमें बेस भी काफ़ी लाउड है। चेक 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 चेक, अभी मैंने 100 हर्ट्ज़ का कट भी लगा लिया है इसके ऊपर, जो पफअप होती है वो चीज़ें भी काफ़ी एलिमिनेट हो रही है अभी। ऑल ओवर इसका जो मिड रेंज है वो भी काफ़ी अच्छा, काफ़ी क्लीन सुनने को मिल रही है। ऑल ओवर ये जो तीनों माइक्रोफोन है काफ़ी अच्छे है, काफ़ी क्लीन है, एक बजट फ्रेंडली माइक्रोफोन है। आपको अगर इस बजट में चाहिए तो मैं बिल्कुल आपको रेकमेंड करना चाहूँगा ये तीनों माइक्रोफोन, इनकी ऑडियो क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। सो दोस्तों अभी आपने इन सारे माइक्रोफोन्स की टेस्टिंग सुनी, और इसके बारे में जो भी रिकमेंडेशन था मैंने टेस्टिंग के दौरान आपको बताया। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप बिल्कुल हमें कमेंट करके बता सकते हैं। माइक्रोफोन्स की प्राइसिंग के बारे में जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में TNT ऑडियो का नंबर है, वहाँ पे आप इंक्वायरी करके इनको परचेज भी कर सकते हैं। अभी के लिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, शेयर करना मत भूलिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में किसी और नए इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। See you soon.